हमने देखा अभी तक कि भाई सक्सेस जो है वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मिलते रहता है। उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो है कि आपका गोल फिक्स है क्या, आपका आउटकम फिक्स है क्या, कौन से आउटकम के लिए आप काम कर रहे हैं। देखिए आप समझो जिम में जा रहे हैं, तो जिम में जा रहे हैं तो आपका आउटकम क्या है। हो सकता है कि जिम में जा रहे हैं आपको जिम में जाके बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, इसलिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा जिम में जा रहे हैं, एक हो सकता है। नंबर दो, उसमें ऐसा है कि भाई मैं जिम में जाऊंगा तो मेरा फिटनेस अच्छा बढ़ेगा, मैं बहुत फिट होऊंगा और मुझे कोई बीमारी नहीं रहेंगी। नंबर तीन है, मैं जिम में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा वजन कम करना है और फिर वजन कम करके मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा फिट रहना है। कोई भी आप काम करते हो उसमें बिजनेस है। अब बिजनेस में आपका आउटकम क्या है, मैं ये काम करूंगा, ये धंधा पानी करूंगा तो इसमें साल के आखिरी तक मुझे कितना सेल मिलेगा, कितना खर्चा है, कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो गोल्स जो है वो आउटकम जो है वो हमें क्लियरली मालूम होना चाहिए कि मेरा आउटकम क्या है इसमें का, मुझे मेरा गोल क्या है, मेरे इसमें से रिजल्ट्स क्या मैं पाना चाहूंगा, कौन से रिजल्ट्स मेरे आ जाएंगे। तो उसके ऊपर फोकस होना, वो रिजल्ट्स के ऊपर फोकस होना बहुत ही जरूरी है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात, मैंने पहले एक्शन का जो बोला है कि भाई टेकिंग एक्शंस, आप जो भी गोल या आउटकम सामने रखते हैं आपको सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने एक्शंस लेना चाहिए। और वो सिर्फ एक्शन लेके होता नहीं है, टेक मैसिव एक्शंस, मैसिव एक्शंस। आपने गजनी पिक्चर देखी है आमिर खान की, आमिर खान ने जो रोल किया और जिस तरह से उसने बॉडी बनाया, 6 महीने तक उसने अपनी बॉडी बनाया कि भाई वो रोल में फिट होना चाहिए। इतनी कठोर परिश्रम, इतनी कठोर मेहनत, इतना कठोर परिश्रम कि उसने बॉडी वैसी बनाया कि लोगों को दिखना चाहिए कि असल में वैसी बॉडी बनी हुई है। वो तो चाहे ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं थी, बाद में उसने और 3 महीने लिए फिर बॉडी डाउन करने के लिए। मतलब ये हो गया कि गजनी लोग देखने के लिए इसलिए जाते थे कि आमिर खान की बॉडी उसने कैसी बनाया वो देखने के लिए जाते थे। कितना कितना हार्ड वर्क, कितनी मैसिव एक्शन। आपको पता है अमिताभ बच्चन अभी उम्र के 77-78 साल हो गए, अभी भी केबीसी में आते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं और कंटिन्यूस एक्शंस 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 लेते रहते हैं। कितने सारे एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ जी आते हैं और जैसे कि अभी 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 इंडस्ट्री में आए हुए इस तरह के एक्शन वो लेते रहते हैं। वजह कि उनको काफ़ी सारी बीमारियां भी हैं, बीच बीच में बीमार हो गए, अटैक आ गया तो फिर 2-4 दिन हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते हैं, मगर अभी भी एक्शंस तो ऐसे करते रहते हैं कि बिल्कुल अभी उन्होंने काम चालू किया। तो एक्शंस लेना बहुत जरूरी है और जब आप एक्शन लेते हैं तो उसमें से आपको रिजल्ट मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको आपका जो डर है ना, फियर्स, वो आपके तोड़ने पड़ेंगे। फियर के वजह से हम काम करते नहीं है, काम की शुरुआत भी हम करते नहीं है, बहुत डर है। तो डर, और हम बोलेंगे नहीं मेरा डर निकल जाएगा तब मैं एक्शन लूंगा, तो ऐसा होता नहीं है। जैसा मुझे स्टेज पे जाने का बहुत डर था, मैं स्टेज पे जाता नहीं था, तो मैं ये ऐसा बोलता था नहीं मुझे है ना मेरा डर खत्म हो जाएगा ना तो मैं स्टेज पे जाऊंगा, तो ऐसा कभी होता नहीं। आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा, बार बार स्टेज पे जाना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, बाद में डर निकल जाएगा। तो डर निकालना है तो आपको वो एक्शन लेनी पड़ेगी। फियर जो है वो निकालना है तो आपको उसमें कूदना पड़ेगा, वो काम में उतर जाना पड़ेगा, और जब आप एक्शन लेंगे तो डर धीरे धीरे निकल जाएगा। वेट लिफ्टिंग में मुझे वेट लिफ्टर बनने का है, चैंपियन बनने का है, मैं बोलूंगा नहीं मुझे वेट लिफ्टिंग, मगर मुझे बहुत डर है कि नहीं नहीं मैं वजन उठाऊंगा तो क्या होगा, गिर गया तो क्या है, और मैं उठा नहीं पाऊंगा, तो मेरा डर जाने दो, बाद में मैं वजन उठाने की प्रैक्टिस करूंगा। ऐसा रहता नहीं, आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाद में वजन उठाना पड़ेगा, क्योंकि नेचर का, कुदरत का ऐसा रूल है कि आपको पहले देना पड़ता है और बाद में आपको फल मिलता है। किसान जो है वो खेती में बोता है और बाद में उसको फल मिलता है। कोई भी जो ये नेचर का रूल है, कुदरती रूल है कि आपको देना पड़ेगा, और वो जब जब फियर आएगा तभी भी फियर आने के बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, दे रहे हैं, और फिर बाद में ऐसा जब करेंगे, एक्शन लेंगे तो फियर निकल जाएगा। डर को तोड़ने का एक ही माध्यम है कि जिससे आप डर रहे हो उसको फेस करो, उसका सामना करो। जिसको भी आप डर रहे हो उसका सामना करेंगे तो फियर निकल जाए। तो उसमें यह है कि आप फेस योर फियर, आपको फेस का मतलब फियर का सामना करना पड़ेगा। फेस योर फियर सो दैट फियर विल नॉट फेस यू, आपको बार बार वो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, लोगों क्या है समझो, लोगों को कुछ सेल मतलब सेल्समैन है लोग क्या बोलते हैं कि मुझे है ना सेल करने का बहुत डर लगता है,
या मुझे ना सुनने का बहुत डर लगता है, लोगों ने मुझे ना सुना दिया तो मैं बहुत डरता हूँ और मैं जाऊँगा ही नहीं मार्केट में क्योंकि लोग मुझे ना बोलते। अरे भैया, ना सुनने का डर जो है आपको वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले सेल होगा और बाद में डर निकल जाएगा कि पहले डर निकालेंगे तो बाद में सेल होगा। डेफिनेटली आपको बार 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 लोगों के पास में जाना पड़ेगा, ना सुनना पड़ेगा, ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आप 1000 बार यदि ना सुनते हो, ना सुनने की आदत डालेंगे तो धीरे 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 आपको सेल मिलता जाएगा और आपका सेल होकर आपको सक्सेस मिलेगा। मगर लोग बोलते नहीं नहीं, नहीं मेरे को है ना पहले डर निकलना चाहिए, मैं लोगों को फेस ही नहीं कर सकता हूँ, मैं ना को फेस ही नहीं कर सकता हूँ। आपको नो को फेस करना ही पड़ेगा। जिनको जिनको फियर है नो का, अब नो कुछ भी हो जाएगा, अपने मित्र को कुछ मांगने का है, कस्टमर को कुछ मांगना है या माल बेचना है, किसी से कुछ बात करने, वो नो मतलब नो तो कहीं से भी आ सकता है। पहला रिस्पॉन्स जो है लोगों का, हम कुछ भी बात करते बोलते हैं नो नो, ऐसा पहला रिस्पॉन्स आता है। तो नो का सामना करना ही पड़ेगा, नो का जो आपको फियर है उससे बाहर आना पड़ेगा। आपको पता है कि KFC का जिसे सैंडर्स केंटुकी फ्राइड चिकन, उन्होंने अपनी रेसिपी बनाई, रेसिपी बनाने के बाद में वो रेसिपी लोगों ने उसका मतलब लेना चाहिए फ्रेंचाइजी, उसके लिए वो अलग अलग जगह जाते रहे, अलग अलग जाते रहे, लोगों को बताते गए कि रेसिपी ले लो ये अच्छी है, ये केंटुकी फ्राइड चिकन का देखो मैंने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, उनको लोगों ने मना कर दिया। 1009 लोगों ने उनकी रेसिपी जो है उसको ना बोला, तभी भी वो रुके नहीं, कंटिन्यूस एक्शन लेते गए, कंटिन्यूस एक्शन लेते गए, लोगों को मिलते गए, इतने कि उनके पास में आखिरी कपड़े भी नहीं बचे थे खुद को खरीदने के लिए और पहनने के लिए, छोड़ा नहीं उन्होंने। और आपको फिर मालूम है इतिहास, क्या सब बड़े शहर में दुनिया में केंटुकी फ्राइड चिकन की फ्रेंचाइजी है। डिस्नीलैंड आपने सब जगह काफी जगह देखा होगा दुनिया में, वॉल्ट डिस्ने जो है उनको ये कल्पना आ गई कि भाई मैंने ऐसी डिस्नीलैंड तैयार करना है। वो फाइनेंस के लिए काफी जगह गए, काफी लोगों को उन्हें कन्विंस करने की कोशिश किया, 302 करीब 300 के ऊपर लोगों के पास में वो गए, लोगों को वो पटा नहीं। जब आखिरी वो करते गए लोगों को मिलते गए, आखिरी में उनको एक व्यक्ति मिला कि ठीक है भाई आप जो बोलते हैं उसके ऊपर मैं मतलब दाव लगाने को तैयार हूँ, पैसा लगाने को तैयार हूँ। उसने फाइनेंस किया और फिर आपको तो मालूम हिस्ट्री क्या है। तो सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर बोले जाते हैं और क्रिकेट के राजा है, राजा राजा थे, मगर उनको भी कितने बार वनडे में जीरो का सामना करना पड़ा कि भाई वो जीरो पे आउट हो गए, मगर जीरो पे आउट हो गए इसलिए उन्होंने कभी खेलना छोड़ा नहीं। तो ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको ना सुनने की आदत, असफलता की आदत, वो डालनी पड़ेंगे, और उसके लिए बार बार एक्शन ले रहे हैं और एक्शन लेके डर जो है वो डर निकालना, डर का सामना करना और बाद में सक्सेसफुल हो जाना ये संभव है। अगला पॉइंट जो है वो है कि आपको फीडबैक लेना जरूरी है। यदि आप फीडबैक लेते हैं, मतलब जो भी चल रहा है तो उसका फीडबैक लेना, जो भी मेरा गोल है तो गोल मैं गोल की तरफ जा रहा कि नहीं जा रहा, मेरी जो एक्शंस है वो मुझे गोल की तरफ लेके जा रही कि नहीं जा रही है, वो लेना बहुत जरूरी है। देखो एक बच्चा रहता है वो 1 साल की उम्र में चलना चालू करता है, टाइम लगता है चलने को। कोई भी बिजनेस आप डालते हो उसको चलने को टाइम लगता है, कुछ भी नया आप स्टार्टअप करते हो उसको चलने को टाइम लगता है। आप समझो यहां से, समझो अकोला से बॉम्बे में जा रहा हूं, टाइम लगेगा, मगर बीच बीच में मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा कि नहीं जा रहा, क्योंकि मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं और मैं देखता ही नहीं हूं मुझे कैसे मालूम पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि माइलस्टोन्स, अकोला बॉम्बे 600 किलोमीटर, बीच बीच में मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी डायरेक्शन सही है कि नहीं है। यदि अकोला से मैं निकलता हूँ 600 किलोमीटर का माइलस्टोन है, फिर 1 घंटे के बाद में मुझे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए, तभी माइलस्टोन 550 किलोमीटर का दिखना चाहिए मुझे, पर वो दिखता नहीं है। और अभी और 700 किलोमीटर दिखता है या और कोई दिखता है अलग, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं हूँ। तो मुझे ये देखना है कि बार बार फीडबैक लेना कि मैं बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा है। जब मैं फीडबैक लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि मैं डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, और वो यदि लेता है तो मैं करेक्शन कर सकता हूं। मैं समझू निकला 1 घंटा हो गया बॉम्बे तरफ जाना है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे की तरफ मतलब 1 घंटा होने के बाद में मैं समझो माइलस्टोन की तरफ देखता हूं और मुझे दिखा कि नहीं अभी भी 600 किलोमीटर ही है बॉम्बे, इसका मतलब मैं गलत ट्रैक पे लगा हूं। तो वो देखना जरूरी है, फीडबैक मुझे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, और फीडबैक लेते लेते मैंने आगे बढ़ना चाहिए।